हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जो भी आपके LHS और RHS के इक्वल वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, और आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के आगे के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉड्यूलस। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट, इसमें आपको दिया है टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा डॉट कॉसेक थीटा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS हमने लिया है टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा, ये वैल्यू हमने ले ली। तो फिर से अपना गोल्डन रूल के साथ चलेंगे, पहले सारी वैल्यूज को हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो 10 की वैल्यू क्या होती है, 10 के जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा, तो कॉट की जगह हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सेम चीज यहां पर करेंगे, कॉट की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वन माइनस टेन थीटा है तो वन माइनस टेन की जगह लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमने अपनी सारी वैल्यूज को साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर दिया। अब नीचे आप यहां पर देखोगे तो आपको LCM लेना पड़ेगा। तो यहां पर देखो वन के नीचे कुछ नहीं है तो मैं वन लिख लेता हूं, वन के नीचे कुछ नहीं है तो वन लिख लेते हैं। अब इसके बाद ऊपर तो आपको कुछ करना ही नहीं, ऊपर एज इट इज चलेगा, ऊपर एज इट इज चलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नीचे आ जाते हैं, LCM कैसे लेंगे, वही नीचे मल्टीप्लाई, तो वन इंटू साइन साइन फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन वन जा साइन माइनस कॉस वन जा कॉस प्लस, यहां पे आओगे सेम चीज यहां पर भी ऊपर आपका एज इट इज रहेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे वही LCM लेंगे तो नीचे आ गया कॉस कॉस वन जा कॉस साइन वन जा साइन, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आने के बाद देखो, अब जो बताया था कि ऊपर वाला फ्रैक्शन में तो ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये वाला एज इट इज रहेगा और नीचे वाला रेसिप्रोकल होके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन ऊपर आ जाएगा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये साइन ऊपर आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे चला गया, फिर प्लस सेम एज इट इज यहां पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू में ये भी रेसिप्रोकल होगा तो कॉस ऊपर और कॉस माइनस साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे चला जाएगा, ये रहेगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन है तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर होगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो गया, नीचे में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, नीचे ऐसे ही लिख दे रहा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर भी वही करोगे, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे बचेगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो इसके अंदर तो अब कुछ नहीं हो सकता और बीच में प्लस है तो हमें इन दोनों का क्या लेना होगा, LCM। LCM के लिए मैं कोशिश ये करूंगा कि मेरे नीचे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो वो सेम हो जाए, जैसे यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो यहां भी मैं चाहूंगा कि मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही हो, पर यहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, वैल्यू सेम है पर देखो जो यहां पर साइन पहले है वहां पर साइन पीछे है, यहां पर कॉस पीछे है वहां कॉस पहले है। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कि जिसमें आपको चाहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, आमने सामने भी हो सकता है, कॉमन लेने में अगर कॉमन लेना है मुझे, देखो इन दोनों को कॉमन लेने के लिए सेम बनाना पड़ेगा, पर ये आगे पीछे हैं, यहां पर साइन पहले है वहां पर साइन पीछे है, तो जब भी ऐसा आए तो किसी एक में से हमें माइनस को कॉमन ले लेना है। ठीक है, माइनस को कॉमन ले लेना है, माइनस कॉमन लेने से देखो होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा है नीचे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो इसमें से ना मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो पहले से बाहर प्लस था,
माइनस यहां से आ गया, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा। माइनस कॉमन लेने से होता क्या है, जो साइन होते हैं वैल्यूज की वो चेंज हो जाती हैं। तो अभी यहां पर साइन जो था वो माइनस में था, तो जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो जो साइन माइनस के साथ था वो साइन क्या हो जाएगा, अब प्लस का हो जाएगा, और जो कॉस प्लस में था वो कॉस किस में चला जाएगा, माइनस में। तो जब भी आप किसी भी ब्रैकेट की वैल्यू से माइनस को कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज है उन सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो है वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। इससे होगा क्या, अब नीचे की जो वैल्यूज है वो सेम हो गई है, तो इन दोनों से मैं क्या कर सकता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लूंगा नीचे से, तो ऊपर से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो ऊपर वन लिख देंगे और नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब बचा क्या मेरे पास, यहां बचा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा माइनस, यहां बचा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन थीटा, ये वैल्यू मेरी यहां पर बच गई। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे अंदर की साइड, इसको अब कुछ नहीं करना, इससे तो हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर ले लिया, जो बच गया उसको अंदर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम वैसे ही लेना है जो नीचे है पहले, तो बाहर वाले को एज इट इज लिख दो। अब एलसीएम कैसे लोगे, नीचे मल्टीप्लाई, तो कॉस थीटा डॉट साइन थीटा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो साइन इंटू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यूब और कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब, यह आ जाएगा यहां पर। इसके आगे का सॉल्यूशन मैं यहां पर कर दूंगा, अगर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो यहां मैं रब कर लेता हूं, इसके आगे ही कर लेता हूं। तो अब यहां पर क्या है, वन बाय साइन थीटा डॉट कॉस थीटा बचा है मेरा। अब यहां आप ध्यान दो तो ऊपर आपका साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब है, तो यहां पर आपकी आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी मैं इधर लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, फिर से नाइन्थ क्लास की आइडेंटिटी है ये। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है हमारा, ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, आइडेंटिटी होती है हमारी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है। इसको हमें इधर पुट करना है साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब में, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब ए हो गया साइन थीटा और बी हो गया हमारा कॉस थीटा, तो यहां जहां जहां ए है वहां साइन लिख देंगे, जहां जहां बी है वहां कॉस लिख देंगे। तो पहला है ए माइनस बी, तो आ जाएगा साइन माइनस कॉस, यह आ जाएगा साइन माइनस कॉस। अब ऊपर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, दिक्कत देगा ही नहीं तो। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी हो गई ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो गया। तो अब यहां देखो ए की जगह हमने क्या लिखना है, साइन थीटा, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बी की जगह लिखना है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा यहां पर। ठीक है, ए माइनस बी तो साइन माइनस कॉस, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए बी, तो साइन डॉट कॉस। नीचे आप देखो, नीचे हमारा इधर लगेगा, नीचे हमारा तो वही रहेगा कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, नीचे कुछ चेंज नहीं होगा, नीचे वैसे की वैसी ही वैल्यू रहेगी। अब इक्वल टू में इधर मेरे पास वन बाय साइन थीटा डॉट कॉस थीटा रह गया था, अब देखो उसको भी क्यों लिखना, देखो यहां पर देखो ये साइन थीटा डॉट माइनस कॉस थीटा था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, और इसके इधर ऊपर भी क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो कैंसिल हो गया, तो जो बच गया उसी को लिखेंगे अब खाली, ये तो कैंसिल हो गया, जो बच गया उसी को लिखेंगे। तो यहां देखो क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ये हमारा ऊपर बच गया और नीचे हमारा बच गया कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। अब यहां देखो, अभी हमने पहले इससे पहली वाली क्लास में आइडेंटिटीज जो पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो वन होता है, तो इसको हम पुट करेंगे इसमें, तो
तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर की, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया वन, और बाकी जो बच गया साइन थीटा कॉस थीटा उसको एज इट इज लिख दिया, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, नीचे भी वही है साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ठीक है, चाहे कॉस थीटा पहले लिखो चाहे साइन थीटा, मल्टीप्लाई में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये साइन थीटा डॉट कॉस थीटा को एक बार मैं एक के नीचे लिख दूंगा, वन के नीचे, और एक बार इस साइन थीटा कॉस थीटा को मैं इसके नीचे लिख दूंगा, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा के, देखो साइन थीटा कॉस थीटा को एक बार वन के नीचे लिख दिया, साइन थीटा कॉस थीटा को एक बार साइन थीटा डॉट कॉस थीटा के नीचे लिख दिया। अब यहां पे आप आओगे वन बाय साइन क्या होता है, तो वन बाय साइन आपका होता है कॉसेक थीटा, वन बाय कॉस क्या होता है, वन बाय कॉस होता है सेक थीटा, प्लस यहां से तो ये आ गया प्लस, अब यहां तो साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस भी कट गया, तो यहां क्या बचेगा वन, तो यही हमें आंसर निकालना था, वन प्लस सेक थीटा डॉट कॉसेक थीटा, वन प्लस सेक थीटा डॉट कॉसेक थीटा, तो ये हमारा क्या आ गया RHS आ गया, क्लियर है। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, हमारा फोर्थ पार्ट सेम ही आपको दिया है, वन प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a अपॉन वन माइनस cos a, तो अगेन हम LHS पहले ले लेंगे, तो LHS हमें गिवन है वन प्लस sec a अपॉन sec a, तो वही गोल्डन रूल को फॉलो करते हुए चलना है, पहले वैल्यूज को साइन और कॉस में चेंज करेंगे, तो वन का वन एज इट इज रहेगा, sec की जगह मैं लिखूंगा वन बाय cos, नीचे भी sec की जगह आ जाएगा वन बाय cos, तो देखो नीचे तो कुछ कर ही नहीं सकते, ऊपर हमें LCM लेना पड़ेगा, अगर वन के नीचे कुछ नहीं है तो मैं वन लेके चलूंगा, तो LCM वही नीचे मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो cos a बन जा cos a और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, cos a बन जा cos a प्लस वन बन जा वन, ये हमारा ऊपर की वैल्यू आ गई, अब नीचे तो एज इट इज रहेगा वन बाय कॉस ए, तो देखो यहाँ पे नीचे कॉस ए आ गया, इसके भी नीचे कॉस ए आ गया, तो कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर अब क्या बच गया कॉस ए प्लस वन, और नीचे वन बच गया, वन की कोई वैल्यू होती नहीं है नीचे डिनोमिनेटर में, तो वन को हम लिखेंगे नहीं, तो ये इसका मेरा जो एल एच एस सॉल्व करके आया वो आया कॉस ए प्लस वन, पर अब मैं इसको इसके आगे सॉल्व भी नहीं कर सकता, तो मेरा आर एच एस के इक्वल तो आया नहीं, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एल एच एस को जब आप सॉल्व करोगे तो आर एच एस के इक्वल आता ही नहीं है, तब हम क्या करें, तब हमें क्या करना होता है कि हम एल एच एस को यहीं तक छोड़ देंगे, अब आर एच एस को अलग से सॉल्व करेंगे, मतलब मैं इसमें एल एच एस को भी सॉल्व करना है आर एच एस को भी सॉल्व करना है, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, तो आर एच एस की वैल्यू यहाँ पर आपको दी है साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए, तो फिर से आइडेंटिटी इसमें यूज होगी, आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है वन होता है, तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं तो ये मेरी आ जाएगी वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख लेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे आ जाएगा वन माइनस कॉस ए जो एज इट इज था, अब देखो वन के ऊपर मैं स्क्वायर लगा दूंगा तो यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी लग गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो नीचे बच गया वन माइनस कॉस ए, अब वन माइनस कॉस ए से वन माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो ऊपर मेरा बच गया वन प्लस कॉस ए, तो होगा क्या यहाँ पर, देखो एल एच एस को भी सॉल्व करके आंसर आया था वन प्लस कॉस ए, आर एच एस को भी सॉल्व करके आंसर आया वन प्लस कॉस ए, तो ऐसे करके हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा एल एच एस जो है वो आर एच एस के क्या आया है इक्वल आया है, तो ये जो क्वेश्चन है देखो अभी हमने दो पार्ट इस अभी हमने सॉल्व किए थर्ड और फोर्थ पार्ट, तो अभी आप ना इनकी ही प्रैक्टिस करो क्योंकि अभी आप इसमें जितने भी पार्ट आप करते जाओगे हर पार्ट में आपको कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलेगा, अगर आप मैं फिफ्थ पार्ट करवाऊँ तो फिफ्थ पार्ट में भी आपको कुछ नया ही देखने को मिलेगा जो और मतलब आपका माइंड थोड़ा पजल हो जाएगा, तो अभी आप इन दो क्वेश्चनों को और जो पहले भी हमने पार्ट्स इसके किए उनको प्रैक्टिस करो, इनको पहले पक्का कर लो, इनको मजबूत कर लो कि अगर इनको कोई क्वेश्चन पूछ भी ले तो आप इसको आसानी से बना सको, इसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी के लिए नेक्स्ट क्लास में, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और थैंक यू आज के लिए।